इस वीडियो में हम दो टीम्स के टारगेट प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, यू मुंबई और बेंगलुरु बुल्स के बारे में। काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे इन दोनों टीम्स के बीच में, और भी दो टीम्स है बंगाल हरियाणा जिनको भी इक्वल नंबर ऑफ कमेंट्स आए थे, लेकिन जैसे मैंने पोल किया था कि दो टीम्स का वीडियो एक ही में बनेगा, तो इसलिए ये वीडियो में हम यू मुंबई और बेंगलुरु बुल्स के टारगेट प्लेयर्स को जानने वाले। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही लंबा वीडियो होगा क्योंकि दोनों टीम्स का मुझे एक ही वीडियो में बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर कबड्डी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं हम यू मुंबई के साथ। तो यू मुंबई के लिए सबसे पहले वीकनेस क्या था उस सीजन का, वो था कवर्स का कॉम्बिनेशन और थर्ड रेडर। तो दो बेहतरीन कवर्स आपके पास थे, महेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह, जिसमें से महेंद्र सिंह लेफ्ट कवर के डिफेंडर थे और सुरेंद्र सिंह राइट कवर के। दोनों प्लेयर्स हिमाचल प्रदेश से है लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आया। काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं कर पाए, तालमेल सेट नहीं हुआ। और एक और दिक्कत था, वो था थर्ड रेडर का। कभी आपने सीएम को खिलाया, कभी आपने जय भगवान को खिलाया, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी थी और कोई भी रेडर सेट नहीं हो पा रहा था। तो ये यू मुंबई का बड़ा वीकनेस था। तो अब हम टारगेट प्लेयर्स पे आ जाते हैं, किन प्लेयर्स को यू मुंबई टारगेट करने वाली है। तो आपको टोटल 6 प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जिनको यू मुंबई टारगेट कर सकती है अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो रिक्वायरमेंट तो आप सबको पता है, कवर्स का रिक्वायरमेंट है दो अच्छे कवर्स का जिनका अच्छा सेट हो सकता है और एक थर्ड रेडर बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यू मुंबई के साथ। तो सबसे पहले बड़े नामों को रिलीज करने वाली है, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, गिरीश अर्नैक और हैदराली एकरमे, तीनों प्लेयर्स को छोड़ देगी यू मुंबई। महेंद्र सिंह को भी रिलीज कर रही है इस सीजन मुझे ऐसा लगता है। एंड ऐसा होगा कि कोच काफ़ी डिससेटिस्फाइड नजर आ रहे थे सुरेंद्र सिंह, क्योंकि काफ़ी एडवांस टैकल से सीजन भी किए, महेंद्र सिंह नहीं चले। तो चार बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करेगी, गुमान, अमीर मोहम्मद, जाफर डानिश, रिंकू, सोमबीर, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिटेन हो सकते हैं। अब प्राइस एक इशू है लेकिन मुझे लगता है ये दोनों रेडर्स जो बड़े रेडर्स को रिटेन किया जा सकता है, साथ ही में रिंकू हो गए और आपके एनवाईपीज हो गए। तो टारगेट प्लेयर्स पर हम फटाफट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल 6 प्लेयर्स में से 2 रेडर्स और 4 डिफेंडर्स बताने वाला हूँ जिनको यू मुंबई टारगेट करेगी। सबसे पहले बात करते हैं परवेज भैंसवाल के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस लेफ्ट कवर्स। परवेज भैंसवाल काफ़ी स्टैब्लिश्ड अब हो चुके हैं प्रो कबड्डी में, काफ़ी सीजन से खेल रहे और लास्ट 2 सीजन से तेलुगु टाइटन्स की टीम में थे। लास्ट सीजन वो उनको मौके नहीं दिए गए श्रीनिवास रेड्डी द्वारा, रीजन में काफ़ी बार कह चुका हूँ, उन्होंने कहा अजीत पवार को देंगे कि परवेज इंडिया खेल के काफ़ी आए हैं। लास्ट 2 सीजन से फॉर्म काफ़ी ख़राब था, लास्ट सीजन 8 मैचेस में 15 पॉइंट्स थे, लेकिन लास्ट 2 सीजन में 36 मुकाबलों में 62 टैकल पॉइंट्स स्कोर किया है परवेज भैंसवाल ने तेलुगु टाइटन्स के लिए। तो ये एक तरीके का शॉकिंग परफॉर्मेंस है, मतलब अच्छा है। अगर हम सीजन 9 का आंकड़े देखें, सीजन 10 में सिर्फ 8 मौके दिए गए जहाँ पे 15 टैकल पॉइंट स्कोर किया था। और परवेज भैंसवाल फिर भी बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्टिव है, अभी नॉर्दर्न रेलवेज के लिए भी बढ़िया खेले हैं, इंडियन टीम में जरूर इनका नाम मिसिंग है, आई होप वापसी करें। एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है और यू मुंबई को इनके पीछे जाना चाहिए क्योंकि अच्छे लेफ्ट कवर है और यू मुंबई इनके पीछे 100% जा सकती है। चलते दूसरे खिलाड़ी के साथ, तो वो होने वाले श्रीकांत जाधव, महाराष्ट्र के बॉय, काफ़ी अनुभव अब इनके पास प्रो कबड्डी में आ चुका है। यूपी उदास के लिए काफ़ी सीजन से खेले, लास्ट 2 सीजन से बंगाल वॉरियर्स की टीम में थे, एज अ सपोर्टिंग रेडर महेंद्र सिंह के नज़र आए, डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया है और बंगाल इनको मोस्ट लाइकली रिलीज करने वाली है और यू मुंबई इनके पीछे जा सकती है। सबसे पहले महाराष्ट्र की खिलाड़ी है और लास्ट सीजन 15 मुकाबलों में 74 रेड पॉइंट स्कोर किया था, ये एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, हम खराब नहीं कह सकते, मतलब 74 इज अ काइंड ऑफ अ डिसेंट परफॉर्मेंस। और श्रीकांत जाधव के पीछे जा सकती है यू मुंबई की टीम एज अ थर्ड रेडर, क्योंकि आपके पास अगर गुमान, अमीर मोहम्मद रिटेन हो जाते और अगर श्रीकांत जाधव आ जाते तो वो जो रेडिंग में जो कहते हैं ना वीकनेस है, जो वीक पार्ट है थर्ड रेडर का, डू और डाई का, वो चीज़ शॉर्ट आउट हो सकता है। श्रीकांत जाधव डू और डाई रेड में काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, तो श्रीकांत जाधव एक ऐसे रेडर है जिनको टारगेट किया जा सकता है। तीसरे खिलाड़ी होने वाले आशु सिंह। अब आशु सिंह का जहाँ तक बात है, एक बहुत ही अच्छे डिफेंडर है राइट कवर के, यूपी उदास के लिए सीजन 6 से खेल रहे और बहुत अच्छे डिफेंडर है आशु सिंह, लेकिन इस बार आशु सिंह को रिलीज़ किया जा सकता है क्योंकि इंजरी इशूज रहे थे। अभी यूपी खेल में बहुत अच्छा खेले, अब देखते हैं अगर यूपी इनको रिलीज़ कर देती है तब यूपी उदास के बदले यू मुंबई को इनके पीछे जाना चाहिए। लास्ट 2 सीजन में 41 मुकाबलों में 70 टैकल पॉइंट स्कोर किया है। अब कुछ इंजरी का सीन था इसलिए मैंने एक सीजन का शो नहीं किया, वरना लास्ट सीजन भी आई थिंक 22-25 टैकल पॉइंट स्कोर किया था इन्होंने, लेकिन एक बहुत अच्छे डिफेंडर है। और अगर आप इनको ले आते तो परवेज भैंसवाल और आशु सिंह का अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो सुनील परवेज का हो नहीं सकता, सुनील रिटर्न होंगे जयपुर से, तो आप आशु सिंह को टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छे राइट कवर है और यू मुंबई के कोच इनके पीछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कोच कौन बनेंगे, लेकिन आशु सिंह एक टारगेटेड प्लेयर हो सकते हैं। चौथे खिलाड़ी चंद्रन रंजीत है। अब चंद्रन रंजीत पे आ जाए तो ये बहुत सीजन से प्रो कबड्डी खेले हैं बहुत टीमों के लिए, चाहे वो दबंग दिल्ली हो जाए, उसके बाद ये खेले हैं बहुत टीम्स के लिए, बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर्स। अब हरियाणा स्टीलर्स में इंजरी
ही हो गया था राइट फ्रॉम द स्टार्ट। फिर सिर्फ चार मैचेस खेलने का मौका मिला और चार मैचेस में चंदन रंजीत ने दो सुपर टेंस लगाए, 31 रेट पॉइंट स्कोर किया। लेकिन अब हरियाणा को रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा अपने कोर को रिटेन करेगा, तो वहाँ चंदन रंजीत सेट नहीं हो रहे। तो बिल्कुल चंदन रंजीत भी एक ऐसे रेडर है जिनको टारगेट किया जा सकता है यूम्बा की टीम द्वारा। थर्ड रेडर का भूमिका निभा सकते, कभी कभार ऐसा मेन रेडर सेकेंड रेडर भी खेल सकते, अगर कोई इंजरी सीन होता है तो चंदन रंजीत के पीछे जा सकती है यूम्बा की टीम। बहुत ही अच्छे रेडर है और आई थिंक इनके पीछे यूम्बा को जाना चाहिए। अब चलते फिफ्थ प्लेयर के साथ, तो वो होने वाले मुंबई के अरकम शेख। अरकम शेख महाराष्ट्र से और एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन गुजरात जायंट्स ने इनको एफबीएम कार्ड से वापस लिया। परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं था मुझे पता है, लेकिन एक अच्छे डिफेंडर। अभी आप देख लो तो महाराष्ट्र का भी नेशनल्स चल रहा है, वहाँ पर भी अरकम शेख अच्छा खेल रहे हैं, तो अरकम शेख के पीछे जा सकती है यूम्बा की टीम एज अ लेफ्ट कवर। 31 मुकाबलों में 43 टैकल पॉइंट स्कोर किया लास्ट दो सीजन में गुजरात जायंट्स के लिए। राम मेहर सर की कोचिंग में मौके बहुत मिले, लास्ट सीजन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो इनको बेंच कर दिया गया बहुत मैचेस के लिए, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी है, अभी अच्छा खेल रहे। तो अगर आपका हाल फिलहाल का फॉर्म भी अच्छा होता है ना, करेंट फॉर्म, तब भी टीम्स आपके पीछे जा सकती है। तो अरकम शेख के पीछे आप एज अ राइट कवर जा सकते हैं, अगर आपको आशु सिंह ना मिले तो ये एक ऑप्शन हो सकते हैं लेफ्ट कवर में। मिलाद जबारी आखिरी टारगेटेड प्लेयर हो सकते हैं यूम्बा के लिए। मिलाद जबारी पे आ जाए तो एक अच्छे डिफेंडर है, तेलुगु टाइटन्स के लिए लास्ट सीजन नज़र आए थे खेलते हुए, लेकिन वही दिक्कत है कि रिटेन नहीं कर पाएगी क्योंकि पूरा कोड चेंज करने वाली है। लेकिन लास्ट सीजन 13 मुकाबलों में इन्होंने 33 टैकल पॉइंट स्कोर किया था, तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है, मतलब डिसेंट कह सकते हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ना ख़राब है। लेकिन मिलाद जबारी की अगर हम बात करें तो ईरान के लिए अभी भी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा खेलते हैं कबड्डी और इनके पीछे जा सकती है यूम्बा की टीम, क्योंकि यूम्बा के जो कोच अगर गुलाम रेजा बनते हैं ना तो वो ईरानियन प्लेयर्स को ढूंढेंगे। अगर आपके पास अमीर मोहम्मद है, अगर आपने मिलाद जबारी को सेट कर लिया राइट कवर की पोजिशन पर, तो एक बढ़िया चीज़ हो सकता है। या क्या परवेश और मिलाद की जोड़ी नज़र आएगी, क्या आशु सिंह और इनकी आएगी, अगर इनको खरीदते तो ये हो सकता है। अगर गुलाम रेजा कोच बने रहेंगे तो मिलाद जबारी के पीछे आप जा सकते हो। अब ये बात हुई यूम्बा की, अब चलते हैं हम दूसरी टीम बेंगलुरु बुल्स के बारे में, जिनके बारे में हम बात करेंगे, यूम्बा में बात कर चुके। तो बुल्स के बारे में आ जाए तो जो वीकनेस सबसे पहले हम आए, उससे पहले रिलीज प्लेयर्स, विकास कंडोला, अमन अंतिल, नीरज कुमार, अभिषेक सिंह, विशाल लाथर, ये बड़े बड़े नामों को छोड़ने वाली। अभिषेक सिंह को छोड़ेगी, विशाल लाथर कुछ अच्छा नहीं कर पाए उनको छोड़ेगी, अमन अंतिल एक अच्छे डिफेंडर थे लेकिन शायद बुल्स उनको रिलीज कर रही है, विकास कंडोला अच्छे रेडर है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए रिलीज होंगे, नीरज नरवाल भी मोस्ट लाइकली रिलीज हो सकते हैं। तो ये तो बात थी रिलीज प्लेयर्स के बारे में। अब वीकनेस क्या थी यहाँ पे बुल्स की, वीकनेस था टीम का पूरा बैलेंस, पूरा का पूरा बैलेंस सेट नहीं था। और पोजीशंस में कोच साहब ने ऑक्शन के समय कहा था कि मैंने हर पोजीशन पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लिया, दो तीन प्लेयर्स को लिया ताकि उनके बीच में कंपटीशन बन जाए। कोच इज़ अ लेजेंड रणधीर सिंह सहरावत, लेकिन इस बार उतनी टीम अच्छी नहीं कर पाई, ठीक है, चाहे सुब्रमण्यन को देख लो कोई उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो अब इस हिसाब से इस वीडियो में तीन रेडर्स तीन डिफेंडर्स जानेंगे। बुल्स की टीम भी ऐसी है जो अपना कोर बदल सकती है, सिवाय सुरजीत सिंह, भरत हुड्डा जो रिटेन होंगे, सुरजीत सिंह हो सकते हैं, भरत हुड्डा है, आपके सौरभ नांदल है, ये तीन प्लेयर्स हो गए। उसके बाद NYP अक्षित धूल है, सुशील खत्री है, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम पहले टारगेटेड प्लेयर्स के बारे में आ जाते हैं। तो आप सब ने गेस कर लिया होगा, ही इज़ नो अदर देन हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत। और पवन सहरावत को बिल्कुल टारगेट कर सकती है बेंगलुरु बुल्स की टीम। क्या टच है रहा है, इमोशनल टच कोच साहब इनके बीच में, बुल्स के साथ इमोशन है पवन सहरावत। और लास्ट सीजन भी बुल्स की टीम इन पे ऑक्शन पे गई थी, चलो सीजन 9 में तमिल में आए, फिर तेलुगु में गए, इनके पीछे गई थी लेकिन खरीद नहीं पाई, बहुत पैसे और चाहिए थे। तो लास्ट सीजन 21 मुकाबलों में 202 रेट पॉइंट स्कोर किया तेलुगु टाइटन्स के लिए, क्या परफॉर्मेंस किया था पवन सहरावत ने, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत मैचेज में इन्होंने टैकल पॉइंट्स स्कोर किया। अगर मैं टैकल पॉइंट्स भी इनका गिन लूँ लास्ट सीजन तो अच्छा खेले थे काफ़ी मैचेज में, मुझे याद है एक मैच में सुपर 10 भी लगाया था और हाई फाई भी लगाया था। तो ये बहुत ही बड़े पवन सहरावत के पीछे बुल्स की टीम जा सकती है। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पर्स, किस तरीके से रिटेंशन होगा, अगर बहुत पैसे बचते और पवन सहरावत आपको मिल गए तो बुल्स के लिए एक और अच्छी बात हो सकती है। भरत हुड्डा पवन सहरावत के एक बहुत अच्छा डुओ सेट हो सकता है और आई थिंक बुल्स की टीम पवन कुमार सहरावत पे बिल्कुल जा सकती है। तो एक सबसे बड़े खिलाड़ी जिनके पीछे बेंगलुरु बुल्स जा सकती है अगर सब कुछ साथ रहा तो। दूसरा बड़ा नाम मंजीत दहिया का आता है, मंजीत दहिया भी एक अच्छे रेडर है, बहुत ही अच्छे रेडर है, पटना पायरेट्स के लिए लास्ट सीजन नजर आए थे और एक अच्छे रेडर है, ठीक है, मतलब लंबा कट है, रेट पॉइंट स्कोर कर पाते हैं, रनिंग हैंड टच इनकी खूबी है,
है और लास्ट सीजन एज अ सपोर्टिंग लीडर नजर आया सचिन तनवर का। बहुत मैचेस में क्रिटिसाइज किया गया लेकिन डिसेंट सा परफॉर्मेंस जरूर किया था। मंजीत दाहिया ने पटना इनको रिलीज जरूर करने वाली है और लास्ट सीजन 22 मुकाबलों में 115 रेट पॉइंट स्कोर किया था पटना के लिए। अब ये रिलीज क्यों होंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आपके पास संदीप कुमार है, सुधाकर है, अंकित जागलान, कृष्ण धूप, सचिन तनवर है, तो आप इनको कहाँ पे लाओगे? तीन रेडर्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं तो मंजीत दाहिया को ऑक्शन में जाना होगा और बुल्स की टीम इनके पीछे जा सकती है। लास्ट सीजन भी कोच साहब ने बहुत बेट किया था, इन पे इंटरेस्ट दिखाया था, तो मंजीत दाहिया क्या मालूम इस सीजन बुल्स के नजर आ जाए। अब देखो पवन मंजीत साथ में नहीं खेल सकते, मैं अभी बता देता हूँ कि बहुत पैसे चाहिए। अगर पवन शेरावत नहीं मिलता तो मंजीत दाहिया के साथ आप जा सकते हो। अब तीसरे प्लेयर एक डिफेंडर है, विशाल भारद्वाज, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर्स ऑफ एंकल होल्ड कह सकते हैं। टैकल्स तो देखो सुरेंद्र नाड़ा इस नाम से मशहूर है लेकिन विशाल भारद्वाज अगर फॉर्म में आ जाए तो उनसे बढ़िया कोई खेल नहीं सकता लेफ्ट कॉर्नर पे। लास्ट सीजन क्या हुआ था, अनसोल्ड गए, फिर बाद में लास्ट राउंड में दबंग दली ने खरीदा, मौके मिले, कुछ मैचेस में अच्छा किया, सेमीफाइनल में मुझे पता है गलतियाँ हुई है। लास्ट सीजन 19 मुकाबलों में 36 टैकल पॉइंट स्कोर किया दबंग दली के लिए और दबंग दली इनको रिलीज करने जा रही है, ये मैं आपको कन्फर्म कह सकता हूँ क्योंकि आपके पास योगेश दहिया और अमन और एक और डिफेंडर आई थिंक योगेश दहिया उनके साथ आशीष है, दो कॉर्नर सेट हो चुके, तो विशाल भारद्वाज का रिटेंशन होना बनता नहीं। अब इतने बड़े खिलाड़ी को बेंच भी नहीं कर सकते हो और बुल्स की टीम फायदा उठा सकती है। अगर अमन अंतिल जो है वो रिलीज हो जाते और बुल्स की टीम उन पर एबीएम यूज नहीं कर पाती है, ज्यादा पैसा लग जाता है, तो विशाल भारद्वाज आपको काफी सस्ते में मिल सकते हैं, कैटेगरी बी में आएंगे और सस्ते मिल सकते, एक अच्छे डिफेंडर है। अगला नाम नीरज कुमार का आता है। अब नीरज कुमार क्या रहे बात करें तो पटना पायलट्स इनको रिलीज करने जा रही है। मैं आपको बता दूं लास्ट सीजन हमने देखा था इनको इंजर्ड कह के बेंच कर दिया गया था और जो भी सीन हुआ नीरज कुमार के साथ, लेकिन अच्छे डिफेंडर है, ठीक है, अभी सर्विसेज के लिए भी खेल रहे, इंटर सर्विसेज भी खेल रहे अभी जो हो रहा है, तो नीरज कुमार के पीछे बुल्स को जाना चाहिए। विशाल लेथर की जगह एक अच्छे ऑप्शन है, 14 मुकाबलों में 31 टैकल पॉइंट्स लास्ट सीजन स्कोर किया था लेकिन अभी जो मुझे पता चला है इंटर सर्विसेज के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करे, ठीक है, उसकी वीडियोस यूट्यूब में नहीं है लेकिन नीरज कुमार की बात है तो अभी अच्छा करके आ रहे इंटर सर्विसेज में, एक अच्छे डिफेंडर है, अनुभव लाते हैं और कोच साहब इनको ले सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। नीरज कुमार भी कैटेगरी बी में ही आएंगे और हो सकता है आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाए, हो सकता है 35-40 लाख तक आपको नीरज कुमार शोल्ड होते हुए दिख जाए, तो बुल्स की टीम नीरज कुमार पे एज अ लेफ्ट कवर्ड जा सकती है। अगले ऑप्शन यहाँ पे होने वाले मीतू महेंद्र शर्मा। अब मीतू शर्मा के बारे में बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स के लिए दो सीजन का काफ़ी अच्छा सफ़र के बाद ये आ गए दबंग दिल्ली, जहाँ पे मैं कह दूँ कैरियर डिस्ट्रॉय हो गया इन्होंने खुद किया क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, और इतने मौके दिए। मुझे याद है जोगिंदर नरवाल ने इनको बहुत पुश किया, हरियाणा में जोगिंदर नरवाल साथ में थे, इनको लाया दिल्ली में और लास्ट सीजन 22 मुकाबलों में 57 रेट पॉइंट स्कोर किया, मतलब वो रेडर जो 120-130 डिसेंट सा परफॉर्मेंस करता था उसका रेट पॉइंट्स कितना कम हो गया। लेकिन बुल्स कैसे कोच है ना रणजीत शेरावत, उनको पता है प्लेयर्स को कैसे चलाना है। मीतू शर्मा को आप ले सकते हो, एक अच्छे खिलाड़ी है और मीतू शर्मा मतलब हरियाणा के लिए नेशनल्स में भी अभी डिसेंट खेले, उतना अच्छा नहीं खेले लेकिन मीतू शर्मा के पीछे आप जा सकते हो, आपको काफ़ी सस्ते में मिल सकते हैं, कैटेगरी सी या बी में आएंगे, आई थिंक सी में आएंगे, देखते जो भी सीन है लेकिन आप उनको ले सकते हो। तो अब आते अगले ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन बुल्स के, वो हो सकती है मोहित जाकर। अब मोहित के बारे में बात करें तो तमिल थलाईवास के लिए दो सीजन से खेले हैं, सीजन 9 सीजन 10 और मोहित के जाते सीजन 8 भी खेले, तीन सीजन खेले और एक अच्छे डिफेंडर है लेकिन इनको शायद रिलीज करके एक नया एक्सपीरियंस लेफ्ट कवर ले सकती है तमिल थलाईवास और लास्ट दो सीजन में 39 मैचेस में 54 टैकल पॉइंट स्कोर किया है मोहित ने, तो मोहित के पीछे भी जा सकती है यहाँ पे बुल्स की टीम। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा डिफेंडर नहीं मिल पाता चाहे वो कोई बड़ा डिफेंडर हो तो आप मोहित को ले सकते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छा रहा है दो सीजन का लेकिन इनको रिलीज कर सकती है तमिल थलाईवास, अगर ऐसा होता है तो बुल्स इनके पीछे जा सकती है। तो ये थे बुल्स के टारगेट प्लेयर्स और एक मिस्टेक मैं कह दूँ यहाँ पे नीरज कुमार के बारे में। अब देखो नीरज कुमार राइट कवर के डिफेंडर और बुल्स लाइकली सुरजीत सिंह को रिटेन करेगी, तो क्वेश्चन होगा कि क्या नीरज को बैकअप यूज किया जाएगा। अब ऐसा देखते हैं क्या होता है, सर्विसेज के लिए दोनों खेलते हैं तो कॉम्पिटिशन बना सकते हैं कोच साहब, तो ये यहाँ पे हो सकता है लेकिन सुरजीत सिंह मोस्ट लाइकली खेलेंगे, ये मैं आपको अभी बता दूँ, उनको रिटेन कर सकती है बुल्स और करेगी, तो ये यहाँ पे टारगेट प्लेयर्स है बुल्स और यू मुंबा के। आपके हिसाब से किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है यू मुंबा बेंगलुरु बुल्स, आप कमेंट कीजिएगा और मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा ताकि आप अपने फेवरेट टीम का देख लो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा कब से कब तक मैंने यू मुंबा और बुल्स का बनाया, तो आप उसके थ्रू भी आराम से देख सकते हो अपने फेवरेट टीम के लिए। तो ये था यहाँ पे टारगेट प्लेयर्स का वीडियो, अगला वीडियो बंगाल वॉरियर्स और हरियाणा स्टीलर्स के टारगेट प्लेयर्स पे आएगा कि वो टीम को भी इक्वल कॉमेंट्स आए थे तो मैंने दो दो करके बना दिया, तो अगला
वीडियो बुल्स और हरियाणा स्टीलर्स के टारगेट प्लेयर्स पे आएगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपको यहाँ पे दो वीडियो शो हो रहे होंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको जो वीडियो शो हो रहा होगा वो पटना पायरेट्स का शो हो रहा होगा, और राइट साइड में जो आपको वीडियो शो हो रहा होगा गुजरात जायंट्स का होगा। तो वो दोनों टारगेट प्लेयर्स की वीडियो भी आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।